ईद है, ईद की नमाज पढ़ी जा रही है, लेकिन एक भी सड़क पे नहीं हो रही है, ईदगाह में होगी। किसी का आवागमन बंद नहीं, आप लोग भी आए होंगे रास्ते से। बहुत सारे राज्यों की आबादी जहां से शुरू होती है, उतने हमारे राज्य में उतनी बड़ी तो बहुत सारे मत और मजहब से जुड़े हुए उनके अनुयायी रहते हैं, लेकिन कितनी शांति है, कोई दंगा नहीं, कोई अव्यवस्था नहीं। आज ईद है, ईद की नमाज पढ़ी जा रही है, लेकिन एक भी सड़क पे नहीं हो रही है, ईदगाह में होगी। किसी का आवागमन बंद नहीं, आप लोग भी आए होंगे रास्ते से, कोई आवागमन कहीं किसी का अवरुद्ध नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है ये कानून का राज सबके लिए समान रूप से है और ये सबके बराबर लागू होता है, सबके बराबर लागू होता है, कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं, कानून सबके लिए समान होता है। लेकिन ये तब हर समुदाय का विश्वास तब जुड़ता है जब एक संवेदनशील प्रशासन होता है, एक जवाबदेह शासन होता है। लेकिन शासन और जनमानस के बीच, आम जनता के बीच में जो सेतु का काम करेगा, एक संवेदनशील प्रशासन ही करेगा। उन योजनाओं का लाभ उन गरीबों तक पहुंचाने के लिए, आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए उसी को कार्य करना होता है। हमने पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश की जब हम लोग 2017 में प्रदेश की सत्ता में आए थे, तो उस समय मैं एक बात देखता था, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जुड़ी भी कोई भी परीक्षा रही हो, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जुड़ी भी कोई परीक्षा रही हो, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग या माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग से जुड़ी हुई या पुलिस भर्ती से जुड़ी हुई कोई भी ऐसी प्रक्रिया रही हो, आपने देखा होगा हर एक में अंबार की शिकायतों का अंबार था, न्यायालय के स्पेल थे, न्यायालय की गंभीर टिप्पणियां थी। उत्तर प्रदेश की उस समय 22 करोड़ की आबादी थी और उत्तर प्रदेश पुलिस बल में 1.5 लाख पद खाली पड़े थे। अनुमान कर सकते हैं जिस पुलिस के भरोसे प्रदेश की सुरक्षा होनी चाहिए थी, उसमें 1.5 लाख पद खाली हैं। मैंने पूछा पद क्यों नहीं भरे जा रहे हैं, पता लगा कि सुप्रीम कोर्ट का स्टे है। स्टे क्यों है, कोई खामी होगी ना, उसको दूर करिए। प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी, भाई भतीजावाद, जातिवाद। जो लोग सामाजिक न्याय का मुखौटा लगा करके समाज को दिग्भ्रमित करते थे, कैसे भर्ती की प्रक्रिया में भेदभाव उनके द्वारा होता था, ये योग्यता और प्रतिभा के साथ अन्याय नहीं तो क्या था, और न्यायालय उसमें हस्तक्षेप नहीं करता तो क्या करता। जब प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाया गया, भर्ती बोर्ड कैसे कार्य करेगा इसके लिए अच्छे ईमानदार अधिकारियों की टीम तैयार की गई। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 6 वर्ष के अंदर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर, और मुझे लगता है कि समय आ गया है कि हम देखें वास्तव में जिसका हम चयन कर रहे हैं, ठीक बात है, ब्रिलियंट हो अच्छी बात है, सातु बुद्धि तो हो, लेकिन और केवल नकल के साथ साथ उसमें अकल भी हो, कार्य करने की एक सामर्थ्य भी हो, लीडरशिप का गुण भी हो, निर्णय लेने की सामर्थ्य भी हो, और आम जनमानस के बीच में कॉमन मैन के प्रति उतना ही संवेदनशील भी हो, क्योंकि एक संवेदनशील प्रशासन ही जन विश्वास का प्रतीक बन सकता है। संवेदनहीन व्यवस्था लोकतंत्र में हम आम जनमानस की उपेक्षा नहीं करते, उसकी अनदेखी करके हम किसी व्यवस्था को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने की कल्पना कर रहे हैं, यह एक दुस्वप्न जैसा होता है, इसको कभी नहीं कर सकते। हमारा प्रयास होना चाहिए अधिकाधिक संवेदनशील, जनता के प्रति संवेदनशील, एक गरीब के प्रति संवेदनशील,
उसका नाम, उसकी जाति, उसका मत, उसका मजहब पूछे बगैर उसको न्याय मिलना चाहिए, उसको शासन की योजनाओं का लाभ हर हाल में मिलना चाहिए। हम भेदभाव उस विशेष के साथ नहीं कर सकते। ऐसा प्रशासन जब रहेगा तो जन विश्वास का प्रतीक बनेगा। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी बड़ी व्यवस्था है, बहुत सारे राज्यों की आबादी जहां से शुरू होती है उतने हमारे राज्य में उतनी बड़ी तो बहुत सारे मत और मजहब से जुड़े हुए उनके अनुयायी रहते हैं, लेकिन कितनी शांति, कोई दंगा नहीं, कोई अव्यवस्था नहीं। आज ईद है, ईद की नमाज पढ़ी जा रही है, लेकिन एक भी सड़क पे नहीं हो रही है, ईदगाह में होगी, किसी का आवागमन बंद नहीं। आप लोग भी आए होंगे रास्ते से, कोई आवागमन कहीं किसी का अवरुद्ध नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है एक कानून का राज सबके लिए समान रूप से, अरे सबके बराबर लागू होता, सबके बराबर लागू होता, कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं, कानून सबके लिए समान होता। लेकिन ये तब हर समुदाय का विश्वास तब जुड़ता है जब एक संवेदनशील प्रशासन होता है, एक जवाबदेह शासन होता है। लेकिन शासन और जनमानस के बीच, आम जनता के बीच में जो सेतु का काम करेगा एक संवेदनशील प्रशासन की, उन योजनाओं का लाभ उन गरीबों तक पहुंचाने के लिए, आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए उसी को कार्य करना होता है, उसका चयन की प्रक्रिया के साथ जोड़ देना, एक विश्वास का प्रतीक। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आपने देखा होगा कि यदि मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एक परिणाम को देख रहा था और मुझे बहुत सुखद अनुभूति हुई कि जो टॉप 10 थे उनमें से 8 केवल बालिकाएं थी, जो मेरिट सूची आई थी उसमें 10 की उनमें से 8 बालिकाएं उसमें आई थी टॉप में, और 30% से अधिक बालिकाओं ने उस जो सूची निकली थी उनमें 30% बालिकाएं पास की। ये दिखाता है कि जब बिना भेदभाव की और 75 में से 67 जनपदों का भी प्रतिनिधित्व उसमें हुआ, 67 जनपदों से भी लोग चयनित हुए, एक विश्वास। आप सोचिए जिस जनपद में, जिस गांव में कोई नौजवान यूपीएससी की या स्टेट की किसी पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ चयन की प्रक्रिया के साथ जुड़ता है तो समाचार पत्रों में वहां पे बैनर न्यूज बनती है वहां की कि संघ लोक सेवा आयोग की फलानी परीक्षा में इस बच्चे का या इस बेटी का चयन हुआ है। लोगों के लिए सुर्खियां बनती हैं क्योंकि आज भी क्रेज है सर्विस की, और उस सर्विस की क्रेज होने के नाते लाखों बच्चों के लिए एक नई प्रेरणा बनती है। लोग देखते हैं, पूछते हैं, इंटरव्यू उनके छपते हैं। आप सोचिए कि एक साथ 75 में से 67 जनपदों में समाचार छपे होंगे ना। एक समाचार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का, उन्होंने उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का परिणाम दे दिया, लेकिन परिणाम अगर केवल भेदभाव पूर्ण होता प्रयागराज में छपता बहुत होता, लखनऊ में छपता, प्रदेश के अंदर छपता तो एक कॉलम की न्यूज बनकर कहने जाती, लेकिन वहां से कॉलम की न्यूज उन्होंने दी, लेकिन कॉलम की न्यूज जब जनपद में पहुंचती है